अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर स्थित झलकारी बाई चिकित्सालय, यह चिकित्सालय केवल महिलाओं के लिए ही बनाया गया है। ज्यादातर इसमें जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनका ट्रीटमेंट और उनका इलाज होता है। इस हॉस्पिटल को लेकर कई बार शिकायतें राज्य महिला आयोग तक गई, लेकिन किसी तरह का कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन लगातार शिकायतों के चलते राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने एक फैसला लिया कि हम इस हॉस्पिटल का औचित्य निरीक्षण करेंगे, यानी मौके पर अचानक पहुंचेंगे और वहां की स्थिति देखेंगे। विमला बाथम ने ठीक वैसा ही किया। झलकारी बाई चिकित्सालय हॉस्पिटल पहुंची। वहां पहुंचते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन वहां पहुंचने के बाद का जो नज़ारा था वो देखने लायक था। वजह यह है कि विमला बाथम जब वहां पहुंची तो उससे ठीक पहले पूरे हॉस्पिटल को क्लीन कर दिया गया। यहां तक कि हॉस्पिटल का स्टाफ फूल के बुके लेकर हाथ में तैयार थे उनके स्वागत के लिए। हॉस्पिटल आई है चिकित्सालय के लेकर, क्या यहाँ पर देखा? यह हमने देखा जच्चा बच्चा, जच्चा डिलीवरी रूम देखा, ऑपरेशन रूम देखा, जनरल वार्ड देखा जहाँ आफ्टर डिलीवरी मरीज रह रहे हैं, ऊपर भी देखा जो नॉन कोविड है, क्योंकि जो जिनका टेस्ट हो गया है वो ऊपर आ जाते हैं, सेफ जो बिल्कुल सेफ है ग्रीन जोन में आ जाते हैं। यहाँ पर क्या कोई शिकायत हुई थी कि अचानक आपका यहाँ पे आना हुआ? नहीं, हमने हमें एक्चुअली वैक्सीनेशन कैसे हो रहा अभी वो नहीं देखा, अभी वो देखेंगे कि जो अभी वैक्सीनेशन हमारा मेन पर्पस था कि जच्चा बच्चा की हिफाजत हो और वैक्सीनेशन हो महिलाओं का, वैक्सीनेशन बहुत लंबी लाइन ना हो, भीड़ ना हो, आराम से उनका वैक्सीनेशन हो जाए ताकि उन्हें इंकरेजमेंट मिले कि नहीं वहाँ झलकारी भाई भी गए थे बड़े आराम से हो गया। तो सब ये सब चीज़ें देखनी थी और अस्पताल कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, सफाई है नहीं है, क्या सुविधाएं हैं, ये सब देखने के लिए हमें आ जाए। आपको लगता है कि अगर हम हमारा जो जो आपका एक औचित निरीक्षण है, अगर इस निरीक्षण को हम किसी को बताकर आते तो क्या हमें सारी चीज़ें सही मिलती है? क्योंकि अगर हम किसी को बताकर आएंगे तो जाहिर जो भी चीज़ गड़बड़ होगी वो सब ऑलरेडी सही कर दी जाएगी। नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं कर वो ठीक हो सकती, क्योंकि शाम को इनको बताया गया, शाम को बताया गया बिल्कुल, तो इतनी जल्दी कैसे कितना ठीक कर लेंगे? सुबह हम आएंगे। अभी आपके निरीक्षण के दौरान एक महिला ने भी कहा कि वो गलत इंजेक्शन लगाया गया, इसका प्रॉब्लम नहीं, वो हमने कहा इनसे कि वो इंजेक्शन उसके हाथ से गिर गया और हमने इनको कह दिया कि अनाड़ी नर्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नर्स ट्रेंड होनी चाहिए जो इंजेक्शन लगाए या जो भी मरीज के साथ में काम करे, ट्रेंड नर्स होनी चाहिए, ना कि वार्ड बॉय या अटेंडेंट कोई नहीं होना चाहिए। ये अटेंडेंट का काम नहीं, वार्ड बॉय का काम नहीं है, ये काम ट्रेन नर्स का है। तो इसके लिए स्पेशली मैंने बोल दिया है डॉक्टर साहब को कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से ध्यान रखेंगी कि नर्स जो है वो ट्रेन होनी चाहिए जो इंजेक्शन लगाए या जो कोई भी काम करे मरीज का। आपने देखा कि किस तरीके से प्रभाताक्षी की टीम ने उनसे पूछा कि औचित्य निरीक्षण का क्या मतलब हुआ, तो विमला बाथम ने बताया कि मैंने आने से एक दिन पहले शाम को ही इनको सूचना दी, तो इतनी जल्दी कोई भी कुछ तैयारी नहीं कर सकता था। लेकिन साथ महिला आयोग की अध्यक्ष है, उनको नहीं मालूम कि अगर एक घंटे से पहले भी अगर सूचना मिल जाती है तो हम अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं। और ठीक वैसे ही हुआ, विमला बाथम जी ने समय से पहले आने से हॉस्पिटल में सूचना दी कि मैं वहाँ पर औचित्य निरीक्षण करने आ रही हूँ, जहाँ पर चिकित्सालय द्वारा पूरी तैयारी कर दी गई थी। इतना ही नहीं, जब उस महिला ने अपनी शिकायत दर्ज की और प्रभाताक्षी की टीम में जब ये क्वेश्चन पूछा तो आपने सुना भी किस तरह का उन्होंने जवाब दिया कि वो इंजेक्शन गलती से टूट गया, हाथ से गिर गया था। हाथ से गिरना इंजेक्शन और गलती से लगना इंजेक्शन, दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन महिला आयोग की जो अध्यक्ष विमला बाथम, उन्होंने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया,
वो सिर्फ खाना पूर्ति करने आई थी, खाना पूर्ति किया, निरीक्षण किया, अखबारों में टीवी चैनलों पर अपने वीडियो फोटो बनवाई और वहां से चली गई। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रवासाक्षी, लखनऊ।